जुलाई 2021 की बात है। 10 साल का रियांश अपने परिवार के साथ मुरादाबाद में रह रहा था। एक दिन वो छत पर खेल रहा था। खेलते खेलते वो 132 केवी की टेंशन लाइन के संपर्क में आ गया। उसे बहुत जोर से करंट लगा, वो जल गया। घर वाले उसे अस्पताल लेकर भागे। अस्पताल में 7 दिन रहने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। अगस्त 2020 में एक 12 साल का बच्चा हाई टेंशन वायर की चपेट में आ गया, उसकी मृत्यु हो गई। मई 2019 में एक 3 साल के बच्चे की करंट लगने से मौत हो गई। बच्चा जहांगीराबाद का रहने वाला था। उसके घर पर एक फोन चार्जिंग में लगा था। खेलते खेलते उसने चार्जर मुंह में रख लिया। चार्जर उस वक्त प्लग्ड था। इन हादसों के बारे में हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि देश में हर साल करंट लगने से हजारों लोगों की मौत हो जाती है। अगस्त 2019 में टाइम्स ऑफ इंडिया प्लस में एक खबर छपी थी। उसके मुताबिक देश में हर दिन लगभग 30 लोगों की मौत करंट लगने से होती है। पिछले 7 सालों में 5,700 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। ऐसे में ये जानना ज़रूरी है कि करंट लगने की स्थिति में तुरंत किस तरह की फर्स्ट एड देनी चाहिए। इस पर तो हम बात करेंगे ही, पर पहले डॉक्टर्स से ये समझ लेते हैं कि करंट लगने पर शरीर में क्या होता है और किन कारणों से मौत हो जाती है। हमारे आसपास की चीजें सब किसी न किसी प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में है। जैसे हमारे पूरा शरीर, पूरी पृथ्वी एक नॉर्थ एंड साउथ पोल्स में, उसी तरीके से हमारा शरीर भी है। हमारे शरीर के अंदर कई प्रकार के आयन्स होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। ये आयन जब कोई किसी करंट का एक्सपोजर होता है तो इसको रिएक्ट करते हैं, और जिस प्रकार का एक्सपोजर होता है करंट से उस प्रकार का रिएक्शन देखने मिलता है। मान लीजिए मसल में रिएक्शन देखने मिल रहा है तो मसल टाइट हो जाएगी, उसको मसल स्पासम बोलते हैं। मान लीजिए यही चीज अगर ब्रेन में देखने मिल रही है तो उसको झटके आना शुरू हो जाएंगे। अगर यही चीज हार्ट में देखने मिल रही है तो उसका हार्ट अलग तरीके से धड़कना शुरू कर देगा, इसको एरिथमिया बोलते हैं। जब बॉडी करंट के लिए रिएक्ट करती है तो इसमें 4 प्रकार की इंजुरीज देखी जाती हैं। एक फ्लैश इंजुरी होती है जिसमें यह होता है कि हल्के छोटे थोड़े से समय के लिए एक्सपोजर हुआ, थोड़ा सा टिश्यू डैमेज हुआ, लोकल डैमेज हुआ। फिर थोड़े लंबे समय के लिए अगर डैमेज हुआ, पूरे कपड़े जल गए, इसको फ्लेम इंजुरी कहते हैं। एक होता है बहुत ही कम समय का शॉक होता है लेकिन पूरी बॉडी के थ्रू वो करंट निकलता है, इसको लाइट बोलते हैं, लाइट इंजुरी। एक ट्रू इंजरी होती है, ट्रू इलेक्ट्रिक शॉक होता है जिसमें बॉडी जो होती है, ह्यूमन बॉडी होती है, वो इलेक्ट्रिक सर्किट का एक पार्ट बन जाती है। ट्रू और लाइट बहुत ही डेंजरस होते हैं, ये एक इमरजेंसी है। जब भी किसी को करंट लगता है तो इसमें एज अ इमरजेंसी मान के चले, तुरंत इमरजेंसी में कॉन्टेक्ट करें। और इसमें डेथ होने का जो सबसे बड़ा कारण है ये हार्ट का रिएक्शन। हार्ट अलग तरीके से फड़फड़ाने लगे, जिस तरीके से हमारी आंख फड़फड़ाती है, ना बंद होती है ना खुलती है, उसी प्रकार से हार्ट ना पंप करेगा ना रुकेगा, बस जल्दी जल्दी पंप करने लगे, जिसको हम एट्रियल वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कहते हैं। और ये डेथ का भी कारण बन सकता है। कई बार पेशेंट कोमा में जा सकता है, सांस बंद हो सकती है, तो इसको कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट भी कहते हैं। पहले तो आसपास जितना भी एरिया है उसको देखना है कहीं करंट फैला तो नहीं है। अगर करंट कहीं फैला है तो उसको सुरक्षित तरीके से वहां पास जाना है। और जो विद्युत कुचालक होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते, जैसे लकड़ी हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, उससे स्विच को बंद करना है। फिर उस पेशेंट को जाके देखना है कि पेशेंट में कोई दिक्कत, जैसे कोई रिस्पॉन्स तो नहीं आ रहा है, या रिस्पॉन्स आ रहा है तो क्या आ रहा है। अगर वह बात कर पा रहा है तो तुरंत डॉक्टर के पास ले जाए। अगर वह कोमा में है, कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा, तो उसको CPR, कार्डियोपल्मोनरी रिसुसिटेशन, छाती में दबाव देके और सांस को दबाव के साथ भर के ये उसको रिवाइव करने का प्रयास करना है। इन सब के बाद तुरंत इमरजेंसी में डॉक्टर के पास जाना। इसमें 3 प्रकार के मेजरली साइड इफेक्ट होते हैं। एक तो फिजिकल साइड इफेक्ट होते हैं जो लॉन्ग टर्म में देखे जाते हैं, जैसे दर्द होना और जहां जल गए हैं वहां पास छाले पड़ जाना और चोट लग जाना, जो जहाँ पास मान लीजिए अगर ब्रेन में है तो झटके आना,
टिंगलिंग सेंसेशन, हाथ में झुनझुनी बनी रहना, पैरों में जहां भी चोट लगी वहां झुनझुनी बनी रहना, ये फिजिकल डिसऑर्डर। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में कभी भी झटके आ सकते हैं, आपको याददाश्त जा सकती है। और जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें यह देखा जा सकता है कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की कभी चोट लगी तो उसके कारण पैनिक अटैक आ सकते हैं। ये सब दिक्कतें सामान्यतः इन मरीजों में जो इलेक्ट्रिक शॉक के अंतर्गत आते हैं तो उसमें यह सामान्यतः देखी जाती है। अगर किसी को करंट लग जाए तो आप उसकी मदद कैसे कर सकते हैं, या आपने डॉक्टर साहब से समझ लिया, इसे याद रखिएगा क्योंकि कभी भी जरूरत पड़ सकती है। और हाँ, नंगी तारों से दूर रहें, उनके आसपास सावधानी बरतें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। 1 अगस्त से 7 अगस्त तक दुनिया भर में मनाया जाता है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। इसलिए इस हफ्ते हम बात करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग से जुड़ी कुछ ज़रूरी बातों के बारे में। जैसे आज जानते हैं ब्रेस्ट फीडिंग करवाते समय किस तरह की डाइट लेनी चाहिए। माँ का दूध बच्चे की सेहत के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। डॉक्टर सलाह देते हैं कि 6 महीनों तक बच्चे को सिर्फ माँ का ही दूध पीना चाहिए। ऐसे में माँ की डाइट क्या होनी चाहिए, उन्हें क्या खाना चाहिए क्या नहीं, इसके बारे में हमें बताया डॉक्टर मधु गोयल ने। माँ जब दूध पिलाती है तो उसका एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है, कैलोरी रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होता है। आमतौर पर अगर आप दिन भर में 2000 कैलोरी खा रही थी तो ब्रेस्ट फीड करवाते समय आपको 2500 कैलोरी लेनी चाहिए, मतलब औसतन 450 से 500 कैलोरीज ज़्यादा। ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान आपकी डाइट बैलेंस्ड होनी चाहिए, उसमें प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स सब कुछ होना चाहिए। आप दूध, चीज़, ओट्स, अलग अलग तरह के सीरियल, फल और सब्जियां खाइए। पानी आपको अच्छी मात्रा में लेते रहना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे ब्रेस्ट मिल्क ज़्यादा पौष्टिक बनता और ज़्यादा मात्रा में बनता है, जैसे अजवाइन और सौंफ। डॉक्टर मधु बताती हैं कि कुछ चीज़ों से ब्रेस्ट मिल्क का टेस्ट बदल जाता है, जैसे लहसुन, प्याज। आप चाहें तो इन चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल कर सकती हैं। और हाँ, कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जिनसे बच्चों को ज़्यादा गैस बनती है, जैसे ब्रोकली और पत्ता गोभी। इन्हें थोड़ा अवॉइड करिए। अपनी डाइट में रोटी, पनीर, दाल, दही, ये सब शामिल करिए बिना टेंशन। कोशिश करिए कि बाहर का ज़्यादा खाना ना खाएं। कैफीन और शराब ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान अवॉइड करें। और अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक। एक झकासी हेल्थ टिप, जैसे कौन सी दाल आपकी सेहत के लिए सबसे अच्छी है। दाल हमारी डाइट का एक अहम हिस्सा है, हर घर में खाई जाती है। दाल काफी हेल्दी होती है, पर सारी दालों में से आपकी सेहत के लिए सबसे बेस्ट दाल कौन सी है, इसके बारे में हमें बताया डॉक्टर रेखा गुप्ता ने। उनका कहना था कि अरहर दाल बहुत फायदेमंद होती है, इसमें प्रोटीन की मात्रा काफी अच्छी होती है, साथ ही पचने में भी आसान होती है। वहीं अगर काली उड़द दाल की बात करें तो ये अलग अलग खानों में इस्तेमाल होती है, लेकिन ये दाल भारी होती है, इसको हर दिन खाने की वजह से यूरिक एसिड बढ़ने लगता है। वहीं लॉन्ग टर्म में इससे स्टोन होने की समस्या भी हो सकती है। अगर आप रोज दाल खाते हैं तो गुणों के हिसाब से अरहर दाल सबसे बेस्ट होती है। आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप डॉक्टर हैं या फिर आपका डॉक्टर से कोई सवाल है, इस ईमेल आईडी पर डाक दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करिए, घंटी जरूर बजा दीजिएगा ताकि हम जब भी नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन जरूर आए।